जी नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं उस्दाम ज़फ़र हूँ। मुझे उम्मीद है आप लोग जो है वो खरीद कैफियत से होंगे। और आज का विला का जो सेशन है वो मुंजी यानी कि धान की फसल की तैयारी के हवाले से, किस तरह से ये तो तैयारी जो है वो करनी चाहिए, किस तरह से है मरलावार जो है आपके साथ शेयर की जाएगी। वीडियो के आगे जाने से पहले जो है हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन जो है ज़रूर प्रेस करें, ताकि हमारी आने वाली जो वीडियोज़ हैं वो आप तक बर वक्त पहुँच सकें और आप उससे जो है मुस्तफ़ीद हो सकें। और आइए आपको मरलावार दिखाते हैं कि ज़मीन की तैयारी के हवाले से, आइए देखें। जी नाज़रीन, तो ये देखें कि सबसे पहले जो है ये साइडों को जो है वो क्लियरेंस किया गया, सफाई की गई साइडों से जो है ये जो घास लगा हुआ था इसको हमने निकाला, साइड पे किया बिल्कुल साफ़ सुथरा करके, ठीक है। उसके बाद ये आपको बिल्कुल देखा जा सकता है। उसके बाद ये तिलों के जो है ना निशान थे इसमें जो है, जैसे बहुत बड़ी लकड़ी थी, इन लकड़ी को जो है वो ख़त्म करने के लिए हमने कहा कि ये सिंगल रूटर लगाएंगे तो ये लकड़ी ख़त्म होगी। अगर हम यहाँ पे हल चलाते तो जो है ये नामुमकिन था, फिर ये लकड़ी जो है ना ये ख़त्म नहीं होनी थी। अब जिस तरह की ये सिचुएशन है इस तरह, यानी कि ये जो लकड़ी है ये अब ख़त्म हो जाएंगी इस तरह, अगर सिंगल हल चलाते फिर ऊपर से रूटर लगाते तो फिर ये लकड़ी जो है वो ख़त्म ना होती। तो होता यह है कि औसत में जो है वो फ़र्क पड़ जाता है कि अगर लकड़ी मौजूद हो तो औसत में काफ़ी फ़र्क पड़ता है। ये देखें हमने जो है ये साइडों से अच्छी खासी सफाई की, ठीक है, ताकि अच्छा खासा जो है वो काम किया जा मज़ीद पैदावार को बढ़ाने के लिए, ताकि कोई साइड इफ़ेक्ट ना हो। तो जिंदा दिन अभी देखा जा सकता है ये साइड बिल्कुल सफाई, अभी रूटर लगा है तो क्या हम अंदाज़ा लगाते हैं क्या लकड़ी अभी भी मौजूद है या नहीं है। तो ये देखने में ये आ रहा है कि ये जो है लकड़ी जो है ना ये मौजूद बिल्कुल नहीं है, ज़मीन जो है वो बिल्कुल साफ़ सुथरी हो चुकी है और इसमें लकड़ी जो है बिल्कुल और बाकी नहीं रही। नाज़रीन, ये पीछे आपको जो है वो नज़र आ रही है, पानी हमने इसलिए कम लगाया है इसको कि अगर ज़्यादा पानी हम इसको जो है वो लगाएंगे तो मसला ये बनेगा कि पनीरी बाजू का नरम होती है, बाजू का सख्त और नरम होगी। ये ज़्यादा गर्मी की शिदत जब टम्परेचर बढ़ेगा तो ये जो है ये फिर ख़त्म हो जाती है, फिर नए सिरे से जो है वो लगानी पड़ती है। और इसको जो है मरलावार रोज़ाना की बेस पर जो है हम पानी लगाएँगे ताकि ये तरोताज़ा रहेगी और जल्दी जो है वो सेहतयाब हो जाएगी, अपने पाँव पे जो है वो खड़ा हो सकेगी। और आखिरी मरला यही था जो हमने आपके साथ जो है वो शेयर करना था और हमने जो है वो आपके साथ शेयर किया। तो जी नाज़रीन, जो भी अपडेट्स थी मुंजी की फसल की तैयारी के हवाले से वो हमने जो है मरलावार तफसीलन जो है आपके साथ शेयर की, आपको बताया। मज़ीद इस तरह की वीडियोज़ जो है उनको देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस करें, ताकि हमारी आने वाली जो वीडियोज़ हैं वो आप तक जो है वो बर वक्त पहुँच सकें और उससे जो है मुस्तफ़ीद हो सकें। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद।